हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा व्लॉगर। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेकिन हमारा व्लॉग जो है वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी और जकिया की भी, यू कैन सी। अब तो फाइनली हम दोनों ठीक हैं और इन्होंने मतलब आप सबका एक ही एजेंडा होता होगा सबका कि पहले तो ईद की शॉपिंग करनी है, फिर ईद से मिली ईदी की पैसों की शॉपिंग करनी है, तो हम भी वही करने जा रहे हैं ना। और इन्होंने कहा है कि मुझे सूट दिला कर लाना अपनी तरफ से, मतलब मैं इनको सूट दिला के लाऊं, है ना। अब हम जाएंगे बिना फिर इसलिए। और आपको जैसे पता है कि मैंने बताया था 15 तारीख को हम जाएंगे, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इसकी भी, तो हम नहीं जा पाए। बट उसका पोस्टपोन हो गया, मतलब कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हो चुका है। परसों जाएंगे, तो परसों हम पक्का जाएंगे इंशाल्लाह, तो अगर कोई बीमार नहीं पड़ता तो। और तो चलिए, अभी तो हम मार्केट के लिए निकल रहे हैं, दिखाएंगे आपको हमने क्या क्या ख़रीदा। और फिर मतलब मार्केट में शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यू नो, क्योंकि मैंने देखा नहीं है लोकल मार्केट में किसी को शूट करते हुए, थोड़ा सा शर्म सी आती है। बट फिर भी जो जो हम ख़रीदेंगे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, वरना घर आकर तो दिखाते ही हैं हम आपको, ठीक है। तो चलिए, अम्मी रेडी हो पैसे खर्च करने के लिए? अम्मी बिल्कुल तैयार नहीं हो, तो हम अपनी ईदी से लेकर आएंगे आज जो भी लाएंगे। चलिए तो हम चलते हैं तो। ओके सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने घर पर और पता नहीं कैसे अम्मी फोन हमारा बेड पर ही भूल गई, जिससे हम शूट करते हैं, तो वो इनकी गलती की वजह से वो बेड पर ही रह गया। तो हम बाज़ार में तो शूट कर ही नहीं पाए, बट हमने शॉपिंग बहुत सारी कर ली। और गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो फर्स्ट मैं लाई हूँ सूट वाला, हाँ ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यू नो, बहुत ज़्यादा, तो मैं ये लेकर आऊँगा। तो जो ईदी हमें मिली है तो उसकी हमने शॉपिंग की है, क्योंकि फिर पैसे खर्च हो जाते हैं ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं ये बहुत प्यारा सूट लेकर आई हूँ और ये जॉर्जेट है, मुझे जॉर्जेट ही ज़्यादा पसंद है। जॉर्जेट है, ये हल्की वाली, ये दूसरी वो जो बटरफ्लाई में कपड़ा आता है ना, हाँ। और इसका बहुत अच्छा नीचे बॉर्डर है, कैन सी कलर ज़्यादा अच्छा और इसका प्रिंट बहुत अच्छा भी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और इसकी प्लेन प्लेन बैक है, आप देख सकते हैं। और अब ये जाएगा टेलर के पास और इसकी प्लेन ही मतलब शलवार है, बट मैं शलवार नहीं बनाऊंगी ना मैं फ्लैपर बनाऊंगी, इस बार मैं इसका पैन कट बनवाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे पैन कट का मतलब मुझे पैन कट बनाना है अभी सारे सूट के, माशाल्लाह से बहुत अच्छे कपड़े सिले हैं उन्होंने, तो ये फर्स्ट है। एंड काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी साल के बाद मैंने ऑरेंज सूट, मतलब मेरी मम्मा ने मेरे लिए पसंद किया था ये वहाँ पर, तो मैंने बहुत काफ़ी अरसे के बाद मैं ऑरेंज कलर पहनूंगी, मैंने बहुत छोटी थी तब पहना था, है ना अम्मी। तो ये देखें ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर है, तो ये बहुत अच्छा लगा था अम्मी को, तो अम्मी ने कहा नहीं तुम ये ले लो बहुत अच्छा लगेगा तुम पर, कैमरा में ज्यादा अच्छा लग रहा है वैसे नहीं, भी नहीं वैसे भी बहुत प्यारा कलर है। और इसकी बैग भी प्लेन है बिल्कुल, और प्लेन इस पर दुपट्टा है और प्लेन ही फ्लैपर का मतलब शलवार का कपड़ा है, और इसमें भी बहुत ही अच्छा बनारसी बॉर्डर दिया हुआ है। और इसके दामन पर बॉटम जो होता है उस पर सिर्फ 3 फ्लावर दिए गए हैं ये प्रिंटेड वाले, तो ये इसकी इसके अंदर 4 चांद लगा रहे हैं, 4 पता नहीं 5। तो और इसका शलवार का कपड़ा है जो है वो भी प्लेन है और प्लेन ही इसका दुपट्टा है। तो ये अभी टेलर के पास जाएंगे, आप भी चलेंगे, हम आप सब हमारे साथ टेलर के पास चलेंगे। एंड थर्ड जकिया लेकर आई है अपने लिए प्लेन सूट, तो गाइस इस प्लेन सूट के लिए इसने हमें इतनी सारी शॉप में घुमाया। फोन कहाँ है तुम्हारा? तो इसने बहुत अच्छा डिजाइन देखा है, हाँ तो इसने बहुत ही अच्छा डिजाइन देखा है, तो इसको प्लेन है मतलब वो प्लेन ही है और कॉटन का ही है, तो इसको वही बनाना था, तो इन्होंने टेलर से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप कपड़ा ले आइए
और मैं स्टिच कर दूंगा। तो उन्होंने बिल्कुल, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है तो इसका ही वो बनवाना है। और जब ये स्टिच होकर आ जाएगा तो माशाल्लाह से वो आपको पहनकर भी दिखाएगी। तो आप देखें, ये बहुत ही प्यारा कलर है, डार्क डार्क पर्पल। एंड ले आई, बहुत अच्छा लग गया अभी। तो इन्होंने ये डिजाइन निकाला है, फोन पे पैर मत रखो पापा, देखो। तो इनको ये बनवाना है इसमें, तो इसलिए ये प्लेन लेकर आई हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही प्यारा कटवर्क में, कटवर्क का दामन है, कटवर्क की इसका नेक है और कटवर्क की स्लीव्स, और कटवर्क में ही इसका पेन कट है। तो बिल्कुल इसको वैसे ही स्ट्रेच कराना है। और इसकी वजह से कम 1 घंटा हमने इसको मतलब ढूंढने में, इसको कलर भी बिल्कुल सेम ही चाहिए था, तो फाइनली ये मिल गया। ढूंढने से तो बहुत कुछ मिल जाता है। लास्ट जो मैंने शॉपिंग की है तो वो है एक बहुत ही प्यारा गाउन जो रेडीमेड है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और हम इसे बिल्कुल भी लेने नहीं गए थे, मैं सिर्फ अनस्टिच कपड़े ही लेने गई थी। बट ये मुझे इतना प्यारा लगा कि मैं बिल्कुल भी आगे नहीं गई शॉप के, मैं वहीं पर रुक गई इनके, मुझे ये भी लेना है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा, बिल्कुल मुझे ना ये बिल्कुल हील तक आ रहा है, फुल लेंथ है इसकी, फुल लेंथ है। और इसकी बेल्ट भी है जो मतलब टमी पर है, वेस्ट पर है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसको साथ में बांधने के लिए ये भी दी गई है स्टेप, तो ये कमर पे से बिल्कुल फिट हो जाएगा मुझे। और इसका बहुत ही प्यारा नेक है, और जो इसके घेर है ना गाइस यहाँ से, तो उनमें ना पिनटेक्स वाला डिज़ाइन है। और इसका कपड़ा लाइलॉन में है और ये बहुत ही प्यारा है, और अंदर भी इसके अस्तर है। तो बहुत ही प्यारा लगा था ये मुझे, बहुत ही ज़्यादा, और ज़कियों को भी बहुत प्यारा लगा है। बट इसमें एक ब्लैक कलर था और एक मेहरून था और एक ये रॉयल ब्लू था, तो इन्होंने ब्लैक, पहली बार इन्होंने ब्लैक को बायकॉट करते हुए कहा है मैं मेहरून ही लूँगी। बट मेहरून में उन्होंने कहा तो आप कल आ जाएं, मैं कल मेहरून आपके लिए निकाल दूँगा। तो इनका कल आएगा, मेरा आज उसका है। मैं वैसे भी ज़्यादा ही नसीब की तेज हूँ, वैसे यही ज़्यादा नसीब की तेज है। और हमने शूज़ लिए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, आपको तो पता ही है। तो ओ, पहले डब्बा खोल दो तुम। तो ये मैंने शूज़ लिए हैं गाइस ब्लैक वाइट कलर के, क्योंकि मेरे पास वाइट ही कलर नहीं था शूज़ में, और मैं हमेशा ऐसे ही शूज़ पहनती हूँ, बी कंफर्टेबल वाले, नो पेंसिल हील और वो स्पोर्ट्स वाले बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मैं यही वाले शूज़ पहनती हूँ। और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और इस पर बहुत प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। एंड जो टेलर ने हमारे कपड़े स्टिच कर दिए हैं तो वो भी मैं आपके साथ आपको दिखाना चाहती हूँ। और हाँ, हम जैगिन भी लेकर आए थे। तो ये जो मैंने उस दिन, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम टेलर की शॉप पर हैं, तो उन्होंने मेरे लिए शर्ट स्टिच की है जो कि बहुत ही प्यारी लगी गाइस मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े सिलते, और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं। तो आप भी उनसे ज़रूर सिलवाएं, आसपास वाले हैं अगर आप, तो जो आसपास वाले लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं, तो उन्होंने ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला दामन स्टिच किया है मेरे लिए, और उन्होंने बीच में ये बिल्कुल सेम ऐसी ही पट्टी लगाई जैसे शर्ट में लगाते हैं। तो जब मैं इसे पहनूंगी तो माशाल्लाह आपको दिख ही जाएगा। तो इन्होंने बिल्कुल कॉलर भी वैसे ही बनाया है शर्ट की तरह, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप ज़रूर उनसे कपड़े सिलवाएं, क्योंकि वो बिल्कुल बुटीक, जैसे उनके शॉप का नाम है बुटीक, वैसे ही वो कपड़े स्टिच करते हैं माशाल्लाह से। एंड उन्होंने मेरा नेक्स्ट सूट सिलाया है ग्रे कलर का, जो कि मैंने प्लाजो स्टिच कराया उन्होंने उनसे। तो ये उसकी कमीज़ है, अब मैं इतनी पतली हूँ माशाल्लाह। और ये उन्होंने बॉट नेक बनाया जो कि बहुत अच्छा बनाया, और मैंने लॉन्ग कमीज सिलवाई है। एंड उन्होंने नेक्स्ट मेरा इसी के सेम कपड़े का ही प्लाजो स्टिच किया है, प्लाजो बहुत अच्छा सिला। यहाँ पे उन्होंने प्लेट्स डाली हैं ताकि घूम अच्छे से आ जाए, तो उन्होंने यहाँ पे प्लेट्स वन बाय वन 4 प्लेट्स डाली हैं आगे, तो बहुत ही अच्छा करके उन्होंने स्टिच किया है। और माशाल्लाह मैं 1-2 दिन के बाद इसे पहनूंगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका लुक कैसा आया, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड उन्होंने मम्मा का भी स्टिच किया है, ये मदर्स डे वाला सूट जो कि मम्मी ने लिया था,
जो मैंने दिलाया था वही। तो ये स्टिच हो चुका है और हम इन्हीं स्लीव्स की बात कर रहे थे कि जो बैक पर जो काम हुआ हुआ है, मतलब बैक पे जो प्रिंट है वही स्लीव्स पर है सेम। तो उन्होंने ये भी बहुत अच्छा स्टिच किया है मम्मा का। एंड पैंट कट तो माशाल्लाह से बिल्कुल पैंट की तरह सिला है, बहुत ही अच्छा, यू कैन सी बहुत अच्छे से उन्होंने ये स्टिच किया है। तो बहुत अच्छे से हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने कपड़े यूसुफ साहब से ही स्टिच कराएं। एंड और मैंने क्या लिया है, और मैंने जैगिन ली है क्योंकि मैंने अपनी शर्ट के लिए वाइट कलर की जैगिन ली है। जीन्स और जैगिन में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस कपड़े का फ़र्क होता है। वो जीन्स का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं जैगिन लेकर आई हूँ। और ये भी बिल्कुल सेम जीन्स की तरह ही होता है, तो ये मैं वाइट कलर की लेकर आई हूँ। और इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसलिए मैं इसे बहुत लाइक करती हूँ। तो यही थी हमारी आज की शॉपिंग, और अभी तो वो जिसमें इयर रिंग्स बिल्कुल ऐड नहीं थे और एक में ये लेकर आई हूँ और एक में ये लेकर आई हूँ। और एक जगह ने बहुत प्यारी विग देखी थी तो हम वो ले नहीं पाए, तो देर हो गई थी हमें, तो वो हम ले नहीं पाए, बट बहुत ही अच्छी थी। तो चलिए और गाइज, यही हमारी आज की शॉपिंग थी जो हमने आपके साथ शेयर की। माशाल्लाह आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और हमारे साथ बने रहे, हम कल भी व्लॉग्स बनाएंगे क्योंकि माशाल्लाह आपकी दुआओं से अब हम ठीक हैं, है ना। तो चलिए अब अपना हम आपसे इजाज़त लेते हैं जाने की और हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।